कल जो जनता कर्फ्यू हुआ था रिगार्डिंग कोरोना वायरस, इसके सिलसिले में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला पूरे भारत देश में, पूरे कंट्री में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन इसके बाद भी एक बात है कि हम लोग एक दिन आदमी लोग नहीं निकले बस, यही सोल्यूशन नहीं है। आज देख रहे हैं कि बहुत पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दुकानों में, दवाई की दुकान में, सब चाहते हैं कि हम लोग एक साथ ले सब, हम नहीं निकलेंगे। लेकिन सबको बारी बारी से लेना चाहिए, क्योंकि सबको ही कुछ, सबको चलेगा, सबको लगेगा ये कि देखिए सिर्फ हम लेंगे ये तो बात नहीं है ना, सबको लेना चाहिए, सबको देना चाहिए। ये दुकान आज बंद नहीं होगा, सब गवर्नमेंट बता रहे कि ये दुकान खुला रहेगा। ये नेसे एकदम जो ग्रोसरी शॉप है या सब्जी बाजार है या समझ लीजिए फिश या मटन चिकन, ये दुकान खुला रहेगा। लेकिन आज सुबह से देख रहे हैं कि दुकान में इतने आदमी क्राउड हो चुका है कि दुकानदार भी परेशान हो चुका है कि सब देने में। इसलिए धीरे धीरे सब कीजिए। अभी तक जो खबर है कि इंडिया में कितना है, लगभग 415 लोग अफेक्टेड है, उनमें से 7 का डेट हो चुका है, वो मर चुके हैं। लेकिन ये अगर इसको और बंद करना है कि चेन सिस्टम जो है ये बंद करना पड़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं हो तो हम लोगों को नहीं निकलना चाहिए। हम भी निकले हैं क्योंकि इसलिए थोड़ा बहुत दवाई ले जो पेशेंट है इसके लिए, घर में पेशेंट है इसलिए दवाई लेके चले हैं। लेकिन देख रहे हैं कि दवाई की दुकान में सब जिनका एक फॉइल में हो सकता है 7 दिन के लिए, वो 3-4 फॉइल ले ले रहे हैं कि जब हम जा रहे हैं कि हमको नहीं मिल सकता है, दूसरे आदमी को नहीं मिल सकता है, ये ठीक नहीं है। हम लोगों को ठीक से काम करना है कि सबको मौका देना चाहिए। ये सिर्फ दवाई के बारे में नहीं है, ये दवाई भी हो सकता है और खाने के सामान भी हो सकता है। पब्लिक गैदरिंग मत कीजिए। कल देखे हम लोगों ने न्यूज़ में भी, आप लोगों को देखेंगे कि जनता कर्फ्यू था लेकिन फिर भी क्या हुआ, कुछ लोग बच्चे भी, ये बच्चे नहीं बोल सकते हैं, ये एडल्ट ही है, क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, गैदरिंग तो हो रहा है, सब अपने अपने कॉन्टैक्ट में है। तो ये किसी को नहीं है, कल भी मैंने बताया था कि ये हमको होगा आपको नहीं होगा, आपको होगा मेरे को नहीं होगा, ये मत नहीं है, सबको हो सकता है। आज तो शाम 5 बजे से हम लोग कंट्री में 80 डिस्ट्रिक्ट में या 80 शहर में या डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन इसके चलते हुए हम आज ही सब खरीद लेंगे, ये ठीक नहीं है। हम लोग को पेशेंस रखना है, ठीक से देखना है। फिर कल है, कल देखिए, कल थोड़ा सा बाजार के लिए दुकान में जाइए, आज ही सब ले लेंगे, ये मत कीजिए। ये हम मेरे तरफ से एकदम आप लोगों को विनती है कि आप लोग ये मत कीजिए। देखते हैं सिचुएशन किस तरफ जाते हैं, लेकिन हम लोग इस सिचुएशन से उभर कर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। पूरे देश भर में ट्रेन बंद हो चुका है, सिर्फ मालगाड़ी चल रहा है। इसके चलते ये हम लोगों को ये कोशिश करना है कि हम लोग किसी दूसरे शहर में बस से या अपनी कार से ट्रेवल मत कीजिए, मत करें। मतलब एकदम ज़रूरत ज़्यादा पड़ेंगे, इसके अलावा हम लोग नहीं जाएंगे। ये भी हम लोगों को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहेंगे। घर में देखो ना, घर में टीवी देखो। हम लोग तो क्या बोलते हैं कि हैं, हम लोग को नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है अपने घर में टाइम देने के लिए। अभी तो टाइम मिल रहा है, अभी तो देखो, अभी तो टाइम दो अपने आदमियों को, अपने घर में टाइम दो। ये हम लोगों को देखना है।